जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमरपाल जी का जिस पर। तो दोस्तों आज है एक अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट का आपका SSC सिलेक्शन फेज 10 का एग्जाम था जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एक अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह से रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। जिन लोगों का दोस्तों अगला शिफ्ट नहीं गया है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया अगर आपको PDF चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका आया था वो पूछा गया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य वो किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों नागरिकों का मूल कर्तव्य है जो कि 1976 में भारत सरकार के द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ये आप मिला लीजिएगा। इसके अलावा पूछा गया दोस्तों कि अंडे में कौन सा विटामिन है जो कि नहीं पाया जाता है। तो अंडा दोस्तों प्रोटीन का एक उच्च गुणवत्ता स्रोत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन को छोड़कर विटामिन ए, ई और B12 की उच्च मात्रा होती है। सादे अंडे में दोस्तों कोई विटामिन सी नहीं होता है। तो विटामिन सी दोस्तों आपका राइट आंसर था जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों मिला लीजिएगा कौन आपका विटामिन सी था कि नहीं था। इसके अलावा दोस्तों आपका लखनऊ समझौता पूछा गया था कि कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता की बात करें दोस्तों तो आपका दिसंबर 1916 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा समझौता किया गया था जो कि 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया था। तो 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर है जो कि लखनऊ समझौता उस समय हुआ था। इसके अलावा जो पूछा गया था आपका बिरजू महाराज का संबंध किस नीति से है। तो बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों आपका जो बिरजू महाराज जो SSC का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हालांकि थर्ड में पूछ ही दिया गया है तो वो पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जो कथक के मशहूर कलाकार थे। तो कथक आपका राइट आंसर होगा। कथक लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए थे। बिरजू महाराज के पिता अक्षर महाराज और चाचा शंभू महाराज देश के भी नामे गिने कलाकार में से थे। उनका दोस्तों नाम ब्रिजमोहन मिश्र था शुरुआती नाम। अगला है दोस्तों कि राज्यसभा में कोई सदस्य अगर मनोनीत होता है तो कितने दिनों के बाद किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना होगा। तो दोस्तों कोई भी मान लीजिए अगर कोई मनोनीत होता है या कोई मंत्री वगैरह बनता है इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर था दोस्तों आपका 6 मंथ। तो 6 मंथ दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो आप मिला लीजिएगा और क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में आप बताइएगा। अगला दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन से 2 प्रश्न आपका आया था जो कि लखनऊ अधिवेशन आया था। दूसरा क्वेश्चन जो आया था दोस्तों कि लखनऊ कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपका हुआ था। इसके संस्थापक थे दोस्तों ए ओ ह्यूम जिनके कलकत्ता के व्योमचंद चटर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो स्थापना 1885, अध्यक्ष व्योमचंद चटर्जी और संस्थापक ए ओ ह्यूम को आपको याद रखना है। और कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे तो 72 प्रतिनिधि दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछे दोस्तों तो बदरुद्दीन तैयबजी दोस्तों आपका पहला मुस्लिम अध्यक्ष था कांग्रेस का। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था आपका आर्टिकल 130 का जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों आर्टिकल 130 के अनुसार संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। तो आपका यही प्रश्न दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आपका 130 के तहत किया जाता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान या अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही संबंध में निर्णय ले सकता है। अगला पूछा दोस्तों कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था आपका हल्दीघाटी का युद्ध, तो महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो मेवाड़ आपका ऑप्शन में था जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। मेवाड़ आज के राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों और जिस पर राजपूत लोग शासन क्या करते थे। और महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह और महारानी जयवत्तन्या बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर मेवाड़ आपका राइट आंसर था। तो आप मिला लेना है आपका सही था कि नहीं था। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। गोंड जनजाति से आपका एक प्रश्न आया था कि गोंड जो जनजाति है दोस्तों वो कहाँ की है। तो गोंड जनजाति की बात करें दोस्तों तो ये ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। तो आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा कि दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर था। गोंड जनजाति का जो प्रधान व्यवसाय दोस्तों कृषि है, किंतु दोस्तों ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी क्या करते हैं, इनका मुख्य भोजन बाजरा है। ये लोग दो प्रकार कोदो और कुटकी से ग्रहण करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा था इल्तुतमिश ने जो क्वाइन चलाया था आपका जित्तल का, वो किस मटेरियल का बना हुआ था। तो दोस्तों आपका जो इल्तुतमिश जो कि दोस्तों आपका दिल्ली गुलाम वंश का आपका शासक था, वो दोस्तों आपका चांदी का सिक्का चलाया था। तो जित्तल जो कोई प्रचलित सिक्का था आपका, तो चांदी का सिक्का था, तो चांदी आपका राइट आंसर होगा। आपको मिला लेना है चांदी था कि नहीं था, आप ऑप्शन दो तो नहीं कन्फर्म ही है कि चांदी था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसमें जिसने युद्ध अरबी शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने सल्तनतकालीन दो प्रमुख सिक्के चांदी का टका जो लगभग 175 ग्रेन का था और तांबे का जित्तल चलाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल नामक अंकित कराने की परंपरा को भी दोस्तों आपका आरंभ किया था। अगला आया था दोस्तों शायद किराना प्रताप सागर बांध किस नदी पर, यह क्वेश्चन दोस्तों कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म था जो क्वेश्चन बताया किराना प्रताप किस कौन सा शासक था, तो वो आपका मेवाड़ का था। तो देख लेते हैं अगले सिप में शायद पूछ दिया जाए कि राणा प्रताप सागर बांध वो किस नदी पर है। तो दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है वो दोस्तों आपका भारत में राजस्थान के रावतभाटा में चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि दोस्तों 53.8 मीटर 177 फीट ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है। तो दोस्तों आपका राणा सागर बांध अगर पूछेगा तो आप पूछा होगा तो दोस्तों आपका चंबल नदी होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि एक साल में दो संसद का जो सत्र बैठता है उसके बीच कितने समय का अधिक का समय दोस्तों आपका रहना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो अंतराल होना चाहिए समय का वो दोस्तों आपका 6 महीने का अंतराल दोस्तों आपका होना चाहिए कोई भी संसद अगर सत्र बैठता है 1 से 2 महीने के गैप के बीच। तो भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। संसद के 1 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बजट मानसून और शीतकालीन सत्र होता है। गौरतलब है कि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। अगला पूछा दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखें तो दोस्तों आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 328 प्रति प्रति किलोमीटर है, और वहीं बिहार की जनसंख्या जो कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपका 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर आपका है। इसके बाद दोस्तों आपका क्रिकेटर का आत्मकथा आया था कि इनमें से कौन क्रिकेटर का कोई बुक का नाम आया था। तो दोस्तों क्रिकेटर का नाम तो पता नहीं चल पाया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न और दोस्तों आया था कि 2019 ईस्वी में किस डांसर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों तीजन भाई जो कि दोस्तों आपका डांसर है जो कि कला के क्षेत्र में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित की गई थी, तो तीजन भाई अगर ऑप्शन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा है कि नहीं था। तो दोस्तों यह रहा आज के प्रश्नों का आंसर जो कि दोस्तों 100% एक्यूरेट है, नोटेटिंग है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।